ये पांचवी चीज हुई। उसके बाद या रब्बे बोलता है, जानते हैं या रब्बे क्यों कहा गया यहां? इसलिए कि ये वो सिफत है कि जिस सिफत का हवाला अगर बंदा दे दे तो अल्लाह की दरी, अल्लाह का दरिया रहमत जोश में आ जाता है। जानते हैं अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत कौन सी है? सिफत रबूबियत। अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत सिफत रबूबियत है, और इसी सिफत के हवाले से हजरत आदम ने और हव्वा ने दुआ मांगी तो दुआ कबूल हो गई। गलती हुई, कहा गया था भाई पूरी जन्नत के अंदर घूमो फिरो खाओ पियो, लेकिन देखो उस दरख्त के करीब मत जाना, चले गए। बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने एक दुआ मांगी अल्लाह के बताने पर, रब्बना, रबूबियत का हवाला, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रबूबियत का हवाला दिया, अल्लाह का दरिया रहमत जोश में आ गया और आदम और हव्वा दोनों को अल्लाह ने माफ कर दिया। फताबा अलैह, तौबा कबूल हो गई। शैतान ने देखा तो बड़ा अजीब गरीब मामला है, आदम ने रबूबियत के हवाले से दुआ मांगी, दुआ कबूल हो गई, लाओ मैं भी इस सिफत के हवाले से मैं भी एक दुआ मांग लूं। हां शैतान ने भी दुआ मांग ली, हां शैतान ने भी एक दुआ मांग ली। कहां है? सूरह हिज्र में है, 14वें पारे में कहता है, قال رب فانظرني الى يوم يبعثون। ऐ मेरे रब, मेरी भी एक दुआ है, रबूबियत का हवाला शैतान भी दे रहा है और एक दुआ मांग रहा है रबूबियत के हवाले से। काला रब फांजिरनी इला यौम युबासून, ए मेरे रब मेरी एक दुआ तू भी कबूल कर ले, तू कबूल कर ले। बाकी क्या तेरी दुआ है? मेरी रबूबियत के हवाले से मांग रहा है, बोल क्या मांगता है? का फांजिरनी इला यौम युबासून, कयामत तक मुझे मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया तेरी दुआ कबूल हो गई, फइन्नका मिनल मुंजरीन, जा तूने मेरी रबूबियत के हवाले से दुआ मांगी। अब यहां सवाल यह है कि अगर हजरत आदम और हव्वा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगी और कबूल हुई, तो शैतान ने किसके वसीले से दुआ मांगी कि कबूल हुई? इसका मतलब है कि वसीले दरमियान में नहीं था। قال رب فانصرني الى يوم يبعثون, ऐ मेरे रब मुझे कयामत तक मोहलत दे, ये शैतान की दुआ है और उसने भी रबूबियत के हवाले से दुआ मांगी और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। ये इतनी बड़ी सिफत है। यही वजह है कि सूरह फातिहा की जिसके पढ़े बगैर नमाज नहीं होती, ना तो मुक्तदी की ना इमाम की। जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इसमें जात के साथ किस सिफत को कंबाइन किया? इसी सिफत को, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह ताला ने अपना तारुफ अपनी रबूबियत के हवाले से किया। और एक बात और बता दूं कि अहदे अलस्त के अंदर अल्लाह ताला ने हमें से यह वादा नहीं लिया कि मैं तुम्हारा माबूद नहीं हूं, ना। वैद अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम वाशहदुहुम अला अन्फुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी कि अलस्तु बिइलाहिकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रबूबियत का हमसे वादा लिया कि ये इकरार करो, क्या तुम ये तस्लीम नहीं करते कि मैं तुम्हारा रब हूं? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हम सब वहां मौजूद थे, कयामत तक आने वाले तमाम लोग वहां मौजूद थे, तमाम लोगों ने इकरार किया था, बला क्यों नहीं आप हमारे रब हैं? तो अल्लाह ताला ने अहद अलस्त के अंदर इसी सिफत के हवाले से अपना तारुफ कराया था। और अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत, सबसे सिफत, आम सिफत, ये सिफत रबूबियत है। इसके हवाले से जो दुआ मांगता है अल्लाह का दरिया रहमत जोश में आ जाता है और अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। अब देखिए यहां इसी रबूबियत का हवाला है, या रब्बे, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, कितनी चीजें हो गई? सफर, लंबा सफर, बाल बिखरे हुए, कपड़े गुबार आलूद, हाथों को आसमान की तरफ उठाए हुए, और छठी चीज या रब्बे पुकार रहा है, रबूबियत का हवाला दे, दुआ कबूल होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं,
دعا قبول نہیں ہو رہی ہے کیوں وَمَطْعَمُهُ حرام اس لیے کہ اس کا کھانا حرام وَمَشْرَبُهُ حرام اس کا پینا حرام وَمَلْبَسُهُ حرام اور اس کا کپڑا حرام وَغُزِّيَ بِالْحَرَامِ اور اس کی پرورش ہی حرام رزق سے ہوئی ہے فَانَّ اسْتَجَابَ لِلدَّاعِي تو اس کی دعا کیوں کر قبول کی جا سکتی ہے اللہ اتنی خطرناک چیز ہے یہ رزق حرام دعا قبول نہیں ہوتی اگرچہ آدمی ربوبیت کا حوالہ دے آج دعائیں ہماری کیوں قبول نہیں ہوتی کہ بھئی آپ نے ڈیپ میں جا کر کے سوچا ہے